स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोक्वीन रजिस्टेंट मलेरिया, मलेरिया जिसमें क्लोरोक्वीन रजिस्टेंट हो जाती है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोक्वीन रजिस्टेंट मलेरिया, इसमें आ जाएगा पायरीमीथामाइन। पायरीमीथामाइन क्लोरोक्वीन रजिस्टेंट मलेरिया में हम लोग क्या देते हैं, पायरीमीथामाइन देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि क्लोरोक्वीन रजिस्टेंट मलेरिया, मलेरिया में जब क्लोरोक्वीन रजिस्टेंट हो जाए तो हम लोग क्या देते हैं, पायरीमीथामाइन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाकर के इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, कह रहा है साइज रिडक्शन का इनमें से कौन सा मैकेनिज्म नहीं है। साइज रिडक्शन के कई सारे मैकेनिज्म होते हैं, बॉल मिल, हैमर मिल, इंपैक्ट, एंट्रिशन, ठीक है, ये सारे कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, कई सारी मिल्स होती हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है ना, जो इंपैक्ट एंड एट्रिशन पे काम करती है। तो इनमें से कौन सा कह रहा है कि साइज रिडक्शन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है या मैकेनिज्म नहीं है, तो इल्यूट्रेशन एक प्रोसेस होता है इल्यूट्रेशन का। इल्यूट्रेशन का मतलब होता है समान साइज के पार्टिकल, एक साइज के पार्टिकल एक जगह पर इकट्ठा करना, ठीक है ना। जो मान लीजिए कोई 2 mm का पार्टिकल है तो 2 mm के जितने भी पार्टिकल होंगे वे एक जगह पे आ जाएंगे, और 4 mm के जितने पार्टिकल होंगे वे एक एक जगह पे अलग अलग आ जाएंगे जाकर के। तो इल्यूट्रेशन का मतलब होता है साइज सेपरेशन, साइज को अलग अलग करना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्टिव नॉवेल M3 एंटागोनिस्ट, कह रहा है सेलेक्टिव नॉवेल M3 एंटागोनिस्ट क्या है, डेरीफेनासिन। अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्टिव नॉवेल M3 एंटागोनिस्ट आपको आंसर करना है डेरीफेनासिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे जाकर के, बोन सपोर्ट ऑल ऑफ फंक्शन एक्सेप्ट, देखिए क्या कह रहा है कि बोन जो है सपोर्ट करता है सभी फंक्शंस को केवल एक फंक्शन छोड़ करके, तो उनमें से कौन सा फंक्शन है जो बोन नहीं करता है। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि बोन सपोर्ट ऑल ऑफ फंक्शन एक्सेप्ट, बोन सभी फंक्शंस को करता है केवल एक फंक्शन को छोड़ करके, क्या है वो फंक्शन, एक्सक्रीशन। बोन जो है एक्सक्रीशन नहीं करता है या एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता है ना, या एक्सक्रीशन के फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। बाकी कौन कौन से फंक्शन करता है बोन, ब्रीथिंग में हेल्प करती है बोन्स, ठीक, हियरिंग में सुनने में बोन हेल्प करती है, और ब्लड के फॉर्मेशन में बोन जो है हेल्प करती है। तो बोन जो है ब्रीदिंग, सांस लेने के प्रोसेस में बोन का यूज़ करते हैं, सुनने के प्रोसेस में बोन का यूज़ करते हैं, और ब्लड के फॉर्मेशन में जब ब्लड हमारा बनता है उसमें भी हमारा बोन का यूज़ होता है, ठीक है ना। देखिए आप लोग जानते हो कि जो कान होता है, कान में हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक आउटर होता है, एक मिडल होता है, एक इनर होता है। तो मिडल ईयर में हमारी 3 जो है बोन्स पाई जाती है, MIS करके, मैलस, इनकस और स्टेपीज, है ना, स्टेपीज। तो कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज, यानी कान हियरिंग में हमारी बोन्स काम कर रही कि नहीं काम कर रही, ठीक है ना। उसी तरीके से जो हमारा बोन है वो ब्लड के फॉर्मेशन में भी काम करता है। जो हमारी हड्डी है, हड्डी के अंदर ही तो बोन मैरो पाए जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि बोन मैरो में ही तो ब्लड बनता है जा करके, ठीक है ना। तो बोन्स में ही हमारा ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है, बोन्स जो है हमारी सांस लेने में भी हेल्प करती है, लेकिन बोन्स जो है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प नहीं करती हैं, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प नहीं करेंगे जा करके। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, कह रहा है गार्लिक कॉमन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो गार्लिक है, गार्लिक का जो कॉमन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव का मतलब होता है जाकर जो सक्रिय तत्व है, गार्लिक में सक्रिय तत्व क्या पाया जाता है। तो आप क्या आंसर करेंगे जाकर के कि गार्लिक में सक्रिय तत्व क्या पाया जाता है, आप बताएंगे एलाइसिन, ठीक है ना, एलाइसिन। तो गार्लिक में कॉमन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एलाइसिन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे जाकर के, हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है मिरिस्टिसिन इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, मिरिस्टिसिन जो है, मिरिस्टिसिन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो आप बताएंगे नटमेग, किसका, नटमेग, नटमेग का जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है मिरिस्टिसिन। और देखिए नटमेग आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना बनी ही रहती है नटमेग के बारे में। तो मिरिस्टिसिन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नटमेग, ठीक है ना, मिरिस्टिसिन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नटमेग। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहता है कि मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, जो ब्रेन हमारा होता है, ठीक है, उसके तीन पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, ठीक है ना, सॉरी फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क में हमारे क्या कहता है, सेरिब्रम आ जाता है,
ठीक है ना, सेरिब्रम के साथ साथ जो ऑप्टिक लूब आ जाते हैं वो आ जाते हैं जाकर के, ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी नर्व आ जाती है जाकर के, ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी नर्व आ जाएगा जाकर के, और हाइपोथैलेमस आ जाएगा जाकर के, हाइपोथैलेमस ऑप्टिक लूब जो होता है, जो ऑप्टिक नर्व है वो मिड ब्रेन का पार्ट आ जाएगा जाकर के, और हिंड ब्रेन में हमारा आ जाता है सेरिबेलम, ठीक है ना, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है वो हमारा क्या है, सेरिबेलम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जाकर के, आपने क्या क्या सीखा, जो फॉर ब्रेन है यानी जो अग्र मस्तिष्क है वहाँ पे सेरिब्रम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेरिब्रम, ठीक, सेरिब्रम के साथ साथ ऑल्फैक्टरी नर्व आ जाएगी जाकर के, ऑल्फैक्टरी नर्व, घ्राण पिंड यानी जो सांस लेते हो, सांस लेने वाली नली आ जाएगी जाकर के, साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा जाकर के आपका हाइपोथैलेमस भी आप कह सकते हो, हाइपोथैलेमस या डाइन्सीफेलन या हाइपोथैलेमस कहीं कहीं लिखा आ जाएगा या डाइन्सीफेलन आ जाता है। तो ये तीन चीज़ें अग्र मस्तिष्क में आती हैं, ठीक है ना, और पश्च मस्तिष्क जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है, लगभग 2/3 यानी 66% भाग जो होता है सेरिब्रम होता है जाकर। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे जाकर के, सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन जो होता है वो हमारा होता है जाकर के सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का काम क्या है, सेरिबेलम का काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ इनवॉल्यूनेटरी मसल्स, जो बॉडी के अंदर इनवॉल्यूनेटरी मसल्स हैं, जो अनैच्छिक जो मसल्स हैं, अनैच्छिक जो पेशियाँ हैं, है ना, इन अनैच्छिक पेशियों पे जो है कंट्रोल करता है जाकर के। तो होता क्या है, जब मनुष्य जो है, आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जब भी कोई शराब पी करके आता है, अल्कोहल पी लेता है, तो अल्कोहल पी लेने के बाद क्या होता है कि वो देखो झूमने लगता है, क्यों झूमने लगता है आदमी, कहीं इधर लड़खड़ाता है, कहीं उधर लड़खड़ाता है, चूँकि होता क्या है, गिरने से संभलना, जब भी आप गिर रहे होते हैं और आप संभलते हैं तो उस समय हमारा कौन सा पार्ट काम करता है, ब्रेन का, सेरिबेलम काम करता है, ठीक, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है, मांसपेशियों पर नियंत्रण करके जो शरीर है उसको बैलेंस बनाए रखता है, ठीक, और यही बैलेंस बिगड़ जाता है हमारा सेरिबेलम का कब, यानी सेरिबेलम अपना काम कब गड़बड़ करता है, जब आप अल्कोहल पी लेते हैं। तो अल्कोहल पीने के बाद देख रहे हो आदमी कैसे झूमता है, बिल्कुल, है ना, तो ये है अल्कोहल का वर्क और ये है हमारा सेरिबेलम का वर्क, कि ये रेगुलेशन ऑफ इनवॉल्यूनेटरी मसल्स, आपको सीधे सीधे ऑप्शन मिलेगा, रेगुलेशन ऑफ इनवॉल्यूनेटरी मसल्स, या तो ये ऑप्शन मिलेगा या तो फिर आपको हो सकता है मिल जाए कि कंट्रोल द मसल्स एंड मेक बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है ना, मेक बैलेंस ऑफ बॉडी बाई कंट्रोलिंग द मसल्स या बाई कंट्रोल द मसल्स, तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रीजिंग और ड्राइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, जो फ्रीजिंग और ड्राइंग है ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, फ्रीजिंग ड्राइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल सब्लिमेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस फेस टू गैस फेस, ये जो फ्रीजिंग ड्राइंग का प्रोसेस है ये हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है जाकर के, इसमें क्या होता है, वाटर को जो है हम लोग, वाटर को हम लोग एक फेज से दूसरे फेज में, या आप कह सकते हैं एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट कर रहे बिना तीसरे फेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि आइस से हम लोग इसको सीधे गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, आइस। अब नियम क्या कहता है कि आइस के बाद क्या बनेगा जा करके, देखो नियम क्या कहता है आपको बताते हैं, नियम कहता है कि वाटर जो है सबसे आइस है, आइस के बाद ये पिघलना चाहिए, तो ये क्या बनना चाहिए, वाटर बन जाएगा, मतलब अब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और वाटर को जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना, लेकिन ये सब्लिमेशन में क्या होता है, ये आइस सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये सेकंड फॉर्म में अपने आ ही नहीं पाती, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, वही मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म में आए बिना सीधे फर्स्ट से थर्ड फॉर्म में चीज़ों का कन्वर्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, ये एक तरीके से समझने के लिए, है ना। तो फ्रीजिंग और ड्राइंग वर्क्स किस पे काम करते हैं, फ्रीजिंग ड्राइंग, जो फ्रीजिंग और ड्राइंग का जो प्रोसेस है वो किस पे काम करता है, वो सब्लिमेशन पे काम करता है, सब्लिमेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस फेस टू गैस फेस, ठीक है ना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के, देखिए मास्ट सेल रिलीज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मास्ट सेल रिलीज, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करता है, ठीक है, तो ये तो बात सही है, लेकिन मास्ट सेल सेरोटोनिन का भी जो है सिक्रीशन करता है, मास्ट सेल रिलीज सेरोटोनिन, ठीक है ना, सेरोटोनिन ये ब्रेन का केमिकल है सेरोटोनिन, जो कि हैप्पीनेस को बढ़ाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जाकर के, आपसे कहीं कहीं पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सेरोटोनिन है ये किस बीमारी से संबंधित है, तो आप बताएंगे OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से रिलेटेड है हमारा सेरोटोनिन, ठीक है ना।
या डिप्रेशन से रिलेटेड है हमारा सीरोटोनिन। किससे रिलेटेड है? डिप्रेशन से। जब भी देखा जाता है, जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसके ब्रेन के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो लेवल है केमिकल का, सीरोटोनिन नाम का केमिकल, ये जो है कम हो गया है। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन पार्किंसन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ, देखिए अगर किसी को पार्किंसन डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़, ठीक है ना, इन पार्किंसन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ, तो क्या हो जाता है पार्किंसन डिसीज़ में, किस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है? गाबा की। किसकी डिफिशियंसी हो जाती है पार्किंसन डिसीज़ में? गाबा की डिफिशियंसी हो जाती है। और कभी कभी आपसे गाबा का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये क्या होता है? गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये है गाबा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टीमोलॉल। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। टीमोलॉल कंटेंस बेसिक रिंग। कौन सी बेसिक रिंग है? टीमोलॉल में कौन सी रिंग पाई जाती है? ये कह रहा है कि टीमोलॉल में कौन सी रिंग पाई जाती है, तो आप क्या आंसर करेंगे? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1, 2, 5 थाया डायाजोल एंड मॉर्फोलिन, 1, 2, 5 थाया डायाजोल एंड मॉर्फोलिन, 1, 2, 5 थाया डायाजोल एंड मॉर्फोलिन। तो टीमोलॉल कंटेंस विच बेसिक रिंग, तो आप बताएंगे 1, 2, 5 थाया डायाजोल एंड मॉर्फोलिन, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ड्रग्स बिलोंग्स टू रोजिएसी फैमिली एक्सेप्ट, कह एक फैमिली होती है रोजिएसी फैमिली, तो कह रहा है इनमें से कौन सी ड्रग है जो हमारी रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन केवल एक ड्रग ऐसी है जो रोजिएसी फैमिली से बिलोंग नहीं करेगी। मतलब जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से केवल एक ही ड्रग ऐसी है जो रोजिएसी फैमिली की नहीं है, तो वो कौन सी है? कोकाइनियल। कोकाइनियल जो है ये रोजिएसी फैमिली की नहीं है। अब अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि रोजिएसी फैमिली की हैं कौन कौन सी, तो मस्क स्ट्रॉबेरी, कौन सी? देखिए ये आपकी हो गई मस्क स्ट्रॉबेरी, ठीक, ये आ गया बिटर एलमॉन्ड, और ये आ गया जाकर वाइल्ड चेरी बार्क। तो वाइल्ड चेरी बार्क, बिटर एलमॉन्ड एंड मस्क स्ट्रॉबेरी, ये रोजिएसी फैमिली की हैं, लेकिन कोकाइनियल जो है हमारी रोजिएसी फैमिली की नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीमोलिटिक जॉइंटिस, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था एच जॉइंटिस, ठीक है ना, हीमोलिटिक जॉइंटिस बिलिरुबिन। कह रहा है इन हीमोलिटिक जॉइंटिस, अगर किसी को हीमोलिटिक जॉइंटिस है तो उसमें बिलिरुबिन का क्या कंसंट्रेशन होगा, तो आप बताएंगे यूजली प्रेजेंट। देखिए बिलिरुबिन क्या होता है आप समझ लीजिए, बिलिरुबिन जो होता है ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है? येलो कलर का पिगमेंट होता है। जब बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो आप देखते हैं लोगों को जॉइंटिस हो जाता है। क्या हो जाता है? जॉइंटिस। जॉइंटिस को क्या कहते हैं हम लोग? पीलिया। क्या कहते हैं? पीलिया। अब ये पीलिया जब हो जाता है तो देखते हैं आंखें भी पीली हो जाती हैं, शरीर भी पीला हो जाता है। और अच्छा ये पीलिया होता क्यों? देखिए बिल्कुल बेसिक मैं समझा रहा हूँ पीलिया क्यों होता है, समझना। बॉडी के अंदर एक सेल होती है आरबीसी, कौन सी होती है? आरबीसी। ये आरबीसी जब टूटती है जा करके तो पहुँचती है कहाँ? स्प्लीन में। आप ऐसे समझिए कि स्प्लीन में ही ये जा करके टूटती है, ठीक। अब स्प्लीन में जब टूटेगी तो ये स्प्लीन में टूटने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? बिलिरुबिन में। इससे एक पिगमेंट्स होता है बिलिरुबिन, ठीक है ना, बिलिरुबिन। तो ये बिलिरुबिन पिगमेंट यहाँ से निकालता है और यही बिलिरुबिन पिगमेंट जा करके बॉडी में एक्सेसेस अमाउंट में जमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी टूटती है जा करके एक्सेसेस अमाउंट में कहाँ? स्प्लीन में। और स्प्लीन से पिगमेंट निकलता है हमारा बिलिरुबिन, और यही बिलिरुबिन बॉडी में जा करके इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन। और चूंकि ये पीले कलर का होता है इसी वजह से पूरे बॉडी में जो है पीला कलर अपीयरेंस होता है जा करके, या अपीयर्ड होता है जा करके, जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है, जिससे हम लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेशेंट को पीलिया रोग हो गया है, जॉइंटिस हो गया है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? फेनिनटॉइन सोडियम प्रोड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट, समझिएगा। कह रहा है जो फेनिनटॉइन सोडियम है, यानी ये जो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है, कैसी ड्रग्स है? एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है फेनिनटॉइन सोडियम, प्रोड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट, तो जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। क्या हो जाता है? जिंजिवल हाइपरप्लेजिया फेनिनटॉइन सोडियम से, फेनिनटॉइन सोडियम से जो एडवर्स इफेक्ट आएगा वो क्या होगा? जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। सीधे सीधे याद करना और सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जाकर के। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, फिक्स्ड ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जो फिक्स्ड ऑयल होता है इसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं जाकर के? फिक्स्ड ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड वैक्यूम,
वैक्यूम इंस्टीलेशन, जब भी वैक्यूम इंस्टीलेशन का प्रयोग करेंगे या वैक्यूम इंस्टीलेशन के प्रोसेस में जाएंगे तो उससे हमारे जो फिक्स्ड ऑयल हैं वो जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, निकल आएंगे जा करके। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन रटना है कि जो फिक्स्ड ऑयल है कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय विच प्रोसेस, तो वैक्यूम इंस्टीलेशन। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जा करके। देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैचिकोलामाइन। कैचिकोलामाइन जो है इसके मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बताएंगे मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। कौन सा, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैचिकोलामाइन के लिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत धांसु है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें, रेट ऑफ रिएक्शन को इनक्रीज कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनक्रीज कर देते हैं जा करके, उसको कह देते हैं जा करके क्या, एगोनिस्ट कंटेंस पाइरिडीन रिंग। ठीक है ना, कह रहा है सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट कैटेगरी की कौन सी दवा है, कौन सा केमिकल है जो कि पाइरिडीन रिंग कंटेन करती है, जिसमें पाइरिडीन रिंग पाया जाता है, तो आप बताएंगे पिरब्यूटेरॉल। पिरब्यूटेरॉल, तो पिरब्यूटेरॉल जो है वो सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट है जो कंटेन्स करता है पाइरिडीन रिंग, पिरब्यूटेरॉल। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, माइक्रो इमल्सन। जो माइक्रो इमल्सन होते हैं, देखिए माइक्रो इमल्सन इज ट्रांसपेरेंट, देखिए आंसर क्या करेंगे, माइक्रो इमल्सन इज ट्रांसपेरेंट। जो माइक्रो इमल्सन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे, देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, वैल्यू फॉर इंफ्रारेड, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वैल्यू फॉर इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड कैटेगरी कंपाउंड के लिए क्या वैल्यू होगी इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन की, तो आप बताएंगे 1680 से लेकर 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, 1680 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। बस इसको सीधे सीधे आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है, हो सकता है कहीं आपसे इस क्वेश्चन की मुलाकात हो जाए किसी भी एग्जाम में आगे। ठीक है ना, तो वैल्यू फॉर इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फॉर एल्डिहाइड 1680 से लेकर के 1750 सेंटीमीटर इनवर्स में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है लाबिएटी फैमिली ड्रग्स एक्सेप्ट। कह रहा है लाबिएटी फैमिली की कौन सी दवा है, एक दवा को छोड़ करके, इनमें से जितनी भी दवाएं लिखी हैं उनमें से एक दवा जो है लाबिएटी फैमिली की नहीं है। कह रहा है लाबिएटी फैमिली ड्रग्स एक्सेप्ट, तो जो नटमेग है, नटमेग की फैमिली है सोलोनेसी, और लाबिएटी कैटेगरी की ड्रग कौन सी हैं, तो बताएंगे पिपरमिंट ऑयल है, स्पीयरमिंट है और तुलसी है। तो तुलसी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुलसी की फैमिली बताओ, तो आप बताएंगे लाबिएटी। ठीक है ना, पिपरमिंट की पूछ लिया जाए तब भी लाबिएटी, स्पीयरमिंट की तब भी लाबिएटी, लेकिन नटमेग की कह दिया जाए तो नटमेग की फैमिली है सोलोनेसी। सोलोनेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई सारे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधे सीधे फैमिली आपसे पूछ ली जाती है कि बताइए कौन सी फैमिली है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओरल एंटीकॉगुलेंट्स मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीज्ड बाई। अगर आप ओरली यानी मुंह से एंटीकॉगुलेंट्स दवा लेते हैं, ऐसी दवा जो रक्त का थक्का ना जमने दें, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीज्ड बाई, तो इनका मेटाबॉलिज्म कैसे डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आप ओरली अगर एंटीकॉगुलेंट्स दवा लेते हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। अगर आप फिनाइल ब्यूटाजोन लेते हैं जाकर के, क्या लेते हैं, फिनाइल ब्यूटाजोन क्या NSAID कैटेगरी की दवा है ना, NSAID कैटेगरी की दवा है फिनाइल ब्यूटाजोन। अगर आप ये ले लेते हैं और साथ में एंटीकॉगुलेंट ले लेते हैं, एंटीकॉगुलेंट मतलब जो रक्त का थक्का ना जमने दे, तो ये क्या होगा जा करके कि डिक्रीज्ड हो सकते हैं, एंटीकॉगुलेंट्स का इफेक्ट जो है डिक्रीज हो सकता है, एंटीकॉगुलेंट्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो सकता है फिनाइल ब्यूटाजोन की प्रेजेंस में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हिस्टामिन रिलीज्ड फ्रॉम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हिस्टामिन रिलीज्ड फ्रॉम बेसोफिल्स, जो बेसोफिल साइट होती है, जो बेसोफिल सेल्स होती हैं, इसनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, WBC के टाइप हैं, तो इसी से हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है जाकर के, ठीक है ना, जो कि क्या करता है जाकर के एलर्जिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि वोलाटाइल ऑयल एक्सक्रीशन इज बाई, जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं ऐसे ऑयल जो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे
27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इस तरीके से मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस से और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो इवेपोरेट हो जाते हैं उनको कहते हैं वोलाटाइल ऑयल, इसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर? स्टीम डिस्टिलेशन। क्या होता है स्टीम डिस्टिलेशन? वोलाटाइल ऑयल जो होते हैं वो कैसे एक्सक्रीशन उनका होता है, जाकर के उन्हें हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम का मतलब होता है भाप, ठीक है, और डिस्टिलेशन का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम लोग वोलाटाइल ऑयल जो है प्राप्त कर लेते हैं, एक्सक्रीशन उनका कर लेते हैं जाकर के। फिर क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्या कह रहा है इमिडाजोल, क्या कह रहा है कि इमिडाजोल डेरिवेटिव इज अ सेलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट। इमिडाजोल डेरिवेटिव, इमिडाजोल डेरिवेटिव जो कि सेलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट है वो कौन सा है? क्लोनिडीन है। क्लोनिडीन भी होता है और साथ ही साथ मिथाइल डोपा भी होता है, क्लोनिडील के साथ में मिथाइल डोपा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इमिडाजोल डेरिवेटिव इज अ सेलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट, आप बताएंगे क्लोनिडीन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। शेलॉक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेलॉक इज यूज फॉर कोटिंग ऑफ टैबलेट एज आ, देखिए जो शेलॉक होता है, शेलॉक एक प्रोडक्ट होता है जाकर के, शेलॉक जो है एक हमारा केमिकल होता है, तो शेलॉक का इस्तेमाल हम लोग किसकी कोटिंग में करते हैं जाकर के, आप बताएंगे एंटेरिक कोटेड एजेंट की तरह। ये जो शेलॉक होता है इसको एंटेरिक कोटेड एजेंट की तरह करते हैं जाकर के, यानी जिस चीज़ में भी कोटिंग करेंगे तो वो जाकर के इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होगी, केवल और केवल कहाँ? इंटेस्टाइन में। इंटेरिक कोटेड का मतलब क्या हो गया जाकर के? ऐसे सब्सटेंस जो केवल इंटेस्टाइन में जाकर के डिजॉल्व होंगे, जाकर के इंटेस्टाइन में जाकर के घुलेंगे, उसको कहते हैं इंटेरिक कोटेड। तो शेलॉक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? एज अ इंटेरिक कोटेड एजेंट के रूप में करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस का कनेक्शन है वो लाते रहेंगे, और जिससे आपकी आने वाली जो फ्यूचर में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।